मिन्नत नगर के इलाके में बुनियादी मसाइल संगीन होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से मुकामी लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मिन्नत नगर का ये नज़ारा है, यहाँ चारों तरफ गंदगी ही गंदगी नजर आती है। ड्रेनेज लाइन की सही अंदाज में तंसीब नहीं की गई, जिसकी वजह से नालियों का गंदा पानी सीधा सड़कों पर जमा हो जाता है और यहाँ चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। कारपोरेशन हदूद में शामिल होकर कई साल होने के बावजूद यहाँ के लोग अब तक बुनियादी सहूलतों से महरूम है। बार बार शिकायत करने के बावजूद म्यूनसिपल इंतजामिया और मकामी अवामी नुमाइंदे इन मसाइल को हल करने में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। हालांकि टैक्स की अदायगी में कारपोरेशन हुकाम की जानिब से जिस अंदाज की फ़ालियत देखने को मिलती है, इस अंदाज से यहाँ काम नहीं हो रहे हैं। मसाइल से परेशान हाल लोगों में शदीद बरहमी का एहसास पाया जाता है। कारपोरेशन की पिछली काउंसिल में भी इन मसाइल को लेकर आवाज़ उठाई जाती रही है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इस बार मकामी लोगों ने कांग्रेस पार्टी को एक तरफा कामयाबी दिलाई है, इसलिए मकामी लोग इन मसाइल को तरजीह बुनियाद पर हल करने का मुतालबा कर रहे हैं। यहाँ पर कोई भी नगर पालिका के लोग आकर कचरा देख रहे नहीं है और इसके वजह से गलीजी यहाँ पर पूरे महल्ले में फैल रही है और काफ़ी तकलीफ हो रही है आने जाने को लोगों को। यहाँ पे मच्छर और काफ़ी बीमारियाँ फैल रही है, लोगों के डेंगू की शिकायत हो रही है। आज महल्ले के अंदर सब परेशान है, कोई नगर पालिका के कोई आदमी आने को यहाँ पर खाली नहीं है। इसी के पूरा कचरा यहाँ पर पड़े वाला है। अभी यहाँ पर देखे आपने लोगों की यहाँ पे पूरे नाली के अंदर गंदा कचरा, छोटे बच्चे स्कूल को आ रहे जा रहे, इससे तकलीफ हो रही है स्कूल के बच्चों को। आज तकरीबन आज दो महीने भर के ऊपर होगा कचरा पूरा पड़े वाला है गली जी की वजह से। गली के अंदर के लोग यहाँ पर आने जाने को एक अड़थड़ा हो रहा है और बच्चों के अंदर एक नहीं बीमारियाँ हो रही है, डेंगू की शिकायत हो रही, बुखार आना, ये बीमारियाँ चालू हो चुकी है। आज आपकी इसकी शिकायत हमने 102 बार गए थे तो कोई नगर पालिका के लोग आके नहीं गए, खाली वहाँ से आके चल जा रहे। मिन्नत नगर है, परसों के दिन नाली निकालने वाले आए, क्या दो तीन जने आए, खाली यहाँ से इतनी नाली निकाले, वहाँ से नाली नहीं निकाले। यहाँ पे कोई बोल रहा पैसे दो, वो जो नाली निकालते वहाँ पे दुनिया का कचरा अटके आला है। मेरे घर में पूरे मच्छर आ रहे, मेरे बच्चे बीमार पड़ रहे छोटे। यहाँ बोलने गए तो बोले हमारी नौकरी ख़त्म हो गई, ड्यूटी का टाइम होगा, आने की ड्यूटी का टाइम उसका आधा घंटा था, उन्हें 8:30 बजे चलेगा, 9 बजे ड्यूटी होने वाली थी इसकी, तो बोलने के बाद भी नहीं निकाला उन्होंने। हमारे घर में बहुत तकलीफ हुई, हमको मच्छर काट रहे, नाली में पानी पास नहीं।